हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर से आने वाले प्रॉब्लम को आप कैसे विदाउट सॉल्विंग करेंगे उसके बारे में मैं देने जा रहा हूँ ट्रिक। तो ध्यान से समझे, पॉइंट नंबर वन कि अगर मैं रेट लिखूँ तो रेट मैं कैसे लिखूँगा। अगर जीरो ऑर्डर होगा तो सम कॉन्स्टेंट कंसनट्रेशन ए की पावर जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और किसी भी नंबर पे पावर जीरो मतलब वन, तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है कि जीरो ऑर्डर के केस में जो रेट होता है वही रेट कांस्टेंट होता है, इसलिए दोनों की यूनिट भी क्या हो जाएगी, सेम। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डिफरेंशियल फॉर्म में, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम डी ए बाई डी टी, राइट। तो ये पहला पॉइंट सभी को मालूम होता है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के लेकर के, तो कंसंट्रेशन एट टाइम टी, वेरी इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो सी नॉट माइनस के टी। तो ये एक फॉर्मूला आएगा, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। यहाँ पे पॉइंट जो ध्यान देना है, ये जो कंसंट्रेशन टी है वो लेफ्ट बचा हुआ, कितना बचा, कितना रिएक्ट हो गया वो नहीं पुट करना है, कितना फाइनली लेफ्ट है वो पुट करना है, इज इक्वल टू सी नॉट, इनिशियली कितना लिए थे कंसंट्रेशन, माइनस के, रेट कांस्टेंट है आपका, टी टाइम है। तो ये इक्वेशन भी सबको मालूम होता है, ये भी इजी है। यहीं से हम ये ड्राइव कर सकते हैं पॉइंट नंबर टू कि टी हाफ क्या होगा। तो टी हाफ का मतलब कि वो टाइम जहाँ पे कंसंट्रेशन इनिशियल का हाफ हो जाए, तो यहाँ पे आप सी टी की जगह सी नॉट बाई टू पुट कर दो तो टी हाफ आ जाएगा। तो टी हाफ होता है सी नॉट बाई टू के, जो ऑलरेडी मैं आपको बता रखा हूँ कि टी हाफ ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर वन माइनस एन। यहाँ पे एन के ऑर्डर क्या है, जीरो, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट आप देख सकते हो। और निकालना होगा तो सी नॉट बाई टू के, टू एक नंबर हो गया, के अगेन रेट कॉन्स्टेंट हो गया उसकी वैल्यू। और इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो टू टाइम्स ऑफ टी हाफ, कैसे, क्योंकि टी कंप्लीशन क्या हो जाएगा, सी नॉट बाई के। कैसे निकालेंगे, कंप्लीट होने का मतलब सी टी हो गया अब जीरो, तो यहाँ से आप पुट कर लो, तो राइट टी क्या आ जाएगा, सी नॉट बाई के, जो कि टू टाइम्स ऑफ टी हाफ है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर थ्री, ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आ जाए तो टी हाफ वर्सेज इनिशियल कंसंट्रेशन आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो y इज इक्वल टू mx, तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। रेट जो है वो कंसंट्रेशन a के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है क्योंकि फिक्स है, इसलिए ये एक कांस्टेंट लाइन आ जाएगी। और कंसंट्रेशन t एज ए टाइम आप देख सकते हो, आपने इसको y एक्सिस पे लिया, ये आपका सम कांस्टेंट, ये माइनस mx, तो ये एक डिक्रीजिंग स्लोप में होना चाहिए क्योंकि स्लोप आपका निगेटिव है, तो डिक्रीज करेगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, तो इसलिए सी टी वर्सेज टी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा और स्लोप इसका निगेटिव होना चाहिए। यहाँ तक आपको सब बताएगा नेक्स्ट, दैट इज रफी सर ट्रिक, कि अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे जीरो ऑर्डर वाले वो इस ट्रिक से करेंगे। और उसको मैंने कहाँ से, तो यहीं से क्रिएट किया है। ध्यान से देखो कि अगर आप बोल रहे हो कि सी नॉट से सी नॉट बाई टू होने में टी हाफ लगेगा, और चूंकि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सी नॉट बाई टू का फिर से हाफ होने में, डैट मीन सी नॉट बाई फोर होने में इस टी हाफ का हाफ लगेगा, तो क्या हो जाएगा टी हाफ बाई टू। फिर इसका हाफ होने में सी नॉट बाई फोर से सी नॉट बाई एट, इसका हाफ होने में फिर से जो टाइम लगा उसका हाफ, तो टी हाफ बाई टू का हाफ मतलब टी हाफ बाई फोर, राइट। अगर मान लो किसी को ऐसे नहीं समझ में आया, वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आया तो कैसे, ध्यान से देखो, अगर सी नॉट 80 था एग्जाम्पल से और टी हाफ 20 सेकेंड था, तो डैट मीन्स 80 से 40 होने में कितना सेकेंड लगेगा, 20 सेकेंड, ये सभी को मालूम। फिर 40 से हाफ, 40 का हाफ कितना हो गया 20, तो ये टी हाफ का हाफ मतलब कितना हो गया 10 सेकंड लगेगा। फिर 20 का हाफ मतलब कितना हो गया 10, ऐसे बच्चों वाली चीज़ करनी है अपने को, तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर पूछा जाए हमें कि 80 से 10 होने में कितना टाइम लगेगा, तो जोड़ दो 20 प्लस 10 प्लस 5, विदाउट सॉल्विंग आप बता सकते हो कि 35 सेकंड लगने वाला है। तो ये ट्रिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हर बार कंसंट्रेशन को हाफ होने में टी हाफ उसका हाफ हो जाएगा, राइट। तो आई होप ये ट्रिक समझ में आया होगा। अब हम इस पे बेस एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन इज कि ए गिव्स यू बी और दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, ये आपको गिवन है, हाफ लाइफ टाइम इज 50 मिनट एंड टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू रिड्यूस 1/4, 1/4 होने में कितना टाइम लगेगा,
तो वेरी सिंपल कैसे करेंगे, मेरे ट्रिक से ध्यान से देखें कि अगर कंसंट्रेशन 1 होगा तो हाफ करने में कितना टाइम लगेगा, 50, और फिर इसका हाफ करने में डेट इज 1/4 कितना लगेगा, इसका हाफ डेट इज 25, तो यहाँ से यहाँ तक में कितना टाइम लग गया, 50 + 25 डेट इज 75 विदाउट सॉल्विंग रफी सर के ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और जब इनिशियल कंसंट्रेशन, ध्यान देना इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2 था तो टी हाफ 6 आवर है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 किया गया है तो कितना टाइम लगेगा 0.5 से 0.2 आने में। क्वेश्चन इज कि 0.5 से 0.2 आने में कितना टाइम लगेगा, तो पहले यहाँ पे समझो कि जब 0.2 था इनिशियल कंसंट्रेशन तो हाफ लाइफ टाइम था आपका 6 आवर, अगर 0.5 हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन तो हाफ लाइफ टाइम कितना होगा, क्या मेरे ट्रिक से निकाल सकते हो, यस 0.5 को आप क्या लिखोगे, 0.2 का डबल प्लस 0.2 का हाफ, तो यहाँ पे डबल किया तो 6 का डबल 12 और यहाँ पे हाफ किया तो 6 का हाफ 3, तो डेट मीन्स 12 + 3 डेट मीन्स 15 आवर क्या है, टी हाफ है, कब, जब कंसंट्रेशन 0.5 है, तो आप ही सोचो 0.5 से 0.2 कब जाएगा, पहले 0.5 से 0.25 होगा फिर 0.25 के बाद आएगा 0.2, तो यहाँ से यहाँ तक में तो 15 आवर लगेगा ही, और ऐसा एक ही ऑप्शन है डेट इज सी, क्यों, क्योंकि 15 से ज़्यादा लगेगा, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। किसी को अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो कि वी नो टी हाफ क्या होता है, सी नॉट बाई 2k, राइट, तो जब आपका सी नॉट था 0.2 मोलर, 2k नहीं मालूम है, टी हाफ था 6 आवर, तो यहाँ से k निकाल लो आप, तो k कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 0.2/2 × 6 दैट इज 1/60। अब टी हाफ हम निकाल सकते हैं जब इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 होगा बाय 2k, क्योंकि k तो चेंज होगा नहीं, राइट, वो सिर्फ कब चेंज हो सकता है, जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो 0.5/2 और k की वैल्यू पुट कर दो 1/60, तो 160 अब चला जाएगा, तो यहाँ से देखो आपको आ गया टी हाफ 15 आवर, तो आप खुद ही सोचो कि टी हाफ 15 आवर है कब, जब कंसंट्रेशन 0.5 है, तो हमें कहाँ से कहाँ जाना है, 0.5 से 0.2 में, 0.5 से पहले कितना आएगा 0.25, तो कितना लगेगा 15 घंटा, और फिर इससे थोड़ा और आगे जाना है तब 0.2 आएगा, तो प्लस एक्स, तो 15 + x, ऐसा एक ही ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन सी, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन 15 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के गिवन था रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकंड भी गिवन था 0.5 m, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, तो आपको बता रखा हूँ जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन एट एनी टाइम Ct इज इक्वल टू C0 - kT, आपको Ct गिवन है कितना 0.5, C0 निकालना है माइनस K गिवन है 2 × 10⁻², और टाइम कितना लगा है तो 25, ध्यान दें यहाँ भी सेकंड था, सिर्फ यूनिट का ध्यान रखना है, तो यहाँ से C0 कितना आ जाएगा आपको, ध्यान से देखो, तो यहाँ से C0 आ जाएगा आपको 1 मोलर, क्योंकि ये भी आपका 0.5 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो C0 विल बी 1 मोलर, सो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 कि एक रिएक्शन है ए गिव्स यू प्रोडक्ट, उसका टी हाफ 1 आवर है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोलर है, टाइम कितना लगेगा 0.5 से 0.25 मोलर होने में, अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, तो कैसे करेंगे, वही रफी सर का सिंपल ट्रिक कि अगर 2 मोलर था कंसंट्रेशन तो 2 से 1 मोलर होने में कितना टाइम लग जाएगा, टी हाफ डेट इज 1 आवर लगेगा, राइट, फिर 1 मोलर से इसका हाफ डेट इज 0.5 मोलर होने में, इस टाइम का हाफ डेट इज 0.5 आवर लगेगा, राइट, और फिर 0.5 से इसका हाफ 0.25 मोलर होने में, फिर इसका हाफ लगेगा डेट इज 0.25 आवर, तो आपसे पूछा कि यहाँ से यहाँ तक होने में कितना लगेगा, ध्यान से देखो 0.25, ऑप्शन सी विदाउट सॉल्विंग, इसके लिए रफी सर जाने जाते हैं। तो आई होप जो ट्रिक मैंने आपको जीरो ऑर्डर के लिए दिए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने कुछ प्रॉब्लम आपको लेकर के बताएं, तो अब आपके जितने भी प्रॉब्लम है जीरो ऑर्डर से रिलेटेड आप मेरे ट्रिक से कर सकते हो विदाउट सॉल्विंग। थैंक यू।